हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एफएमडीए की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विकास की योजनाओं पर चर्चा की। बैठक के बाद हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 400 करोड़ की योजना बनाई गई है। साथ ही एफएमडीए को जहां जहां से पैसा आना है उसका प्लान भी तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद का विस्तार हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और मजबूत करना बेहद जरूरी है। तीसरी मीटिंग एफएमडी की थी, जो पहले की दो मीटिंग थी उसमें स्ट्रक्चरल चीज़ें होती थी, लेकिन आज इस मीटिंग में हमने कुछ विकास के कामों की योजना बनाई है। लगभग 450 करोड़ रुपए की योजना सब बनी है और इस साल का बजट वो भी उसमें पास किया गया है, और उसमें भी जो डिमांड रखी गई है एफएमडीए की, जो रिसीट्स का या जहाँ से उनको पैसे आने हैं, वो भी अलग अलग विभागों का, चाहे म्यूनसिपैलिटी देगी या EDC है, IDC है, स्टाम्प ड्यूटी है, अथवा सरकारी जो भी कुछ ग्रांट उनको मिलनी है उसकी प्लान सारी बना दी गई है। लगभग 586 करोड़ रुपया नए वर्ष का जो बजट बना है वो उपलब्ध कराया जाएगा। फरीदाबाद चूँकि विस्तार बहुत हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, उसी नाते से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं उनको बढ़ाने का भी दबाव यहाँ बना है। खास करके सबसे पहली आवश्यकता होती है पानी की, तो पानी जैसे जैसे आवश्यकता पड़ रही है वैसे वैसे 2041 तक की प्लान वो सारी एफएमडीए ने बनाई है।